हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहिनी। सो गाइस, आज हम आपके मन में उठ रहे कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे। आपके कई प्रकार के प्रश्न थे कि हमारे पुराने विग्रह का क्या हुआ, हमारे पुराने विग्रह राधा कृष्ण कहाँ गए, कहीं उनके साथ कुछ अनुचित घटना तो नहीं घटी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि हमारे पुराने विग्रह कहाँ गए। तो जी, ये रहे हमारे पुराने विग्रह, जो आप जानना चाहते हैं कि इनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ये देखिए, तो ये हमारे पुराने विग्रह हैं। इनके साथ कुछ भी ऐसा अनुचित नहीं हुआ जैसा कि आप सोच रहे हैं। आपके मन में भी जो डर था, ये साथ सुरक्षित हमारे पास हैं। इनकी सेवा हम वैसे ही करते आ रहे हैं नित्य, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। ये हमारे पुराने राधा कृष्ण हैं, ये जिनकी जिनके आप दर्शन हमेशा करते हैं, जिनके श्रृंगार की वीडियोज़ आप हमेशा पाते हैं, और बड़ा ही अच्छा भाव आपके साथ उनका जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, हमने आपके राधा कृष्ण के साथ कुछ भी ऐसा अनुचित नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि हमें यह आप की तरह ही हमारे प्राणों से प्रिय हैं। हमें आपके मन में ढेर सारे प्रश्न थे कि हमने नए विग्रह क्यों लिए, हमारे पुराने राधा कृष्ण कहाँ गए। तो जैसा कि हमने बता दिया कि आपके पुराने राधा कृष्ण हमारे पास सुरक्षित है और हम इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये देखिए, तो आपके जो प्रश्न थे कि पुराने विग्रह का क्या हुआ, मैंने आपको दिखाई दिया है कि आपके राधा कृष्ण हमारे पास बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे हैं। तो आपके जो प्रश्न थे कि हमने नए विग्रह क्यों लिए, जैसा कि हम बता दें कि हमारे चैनल में यदि आप पहले से मेंबर रहे होंगे तो आपको पता होगा, हमारे जो ये राधा कृष्ण है जन्माष्टमी से पहले थे। तो हमें क्या लेना था कि मार्वल पे हमें लेना था, मकराना मार्वल पे भी हमें राधा कृष्ण की प्रतिमा लेनी थी। बट हर मूर्तिकार हमें यही कहता था कि जो मार्वल है वो मकराना का ही है, और हमें इतना नॉलेज नहीं था, तो हम लेने से थोड़ा डर रहे थे कि हमें ओरिजिनल मकराना मार्वल की ही राधा कृष्ण चाहिए थे। तो उस वक्त हमें ये मिले, तो हमें लगा हमें जन्माष्टमी से पहले हरे हाल हमारे घर में राधा कृष्ण चाहिए थे। तो हमने इनको, बोलते ना प्रभु की मर्जी होती है, तो ये बस हमारे घर हमारे हाथों में आ गए। फिर हम नित्य इनकी सेवा में लगे रहे। पर हमारे घर के कुछ मेम्बरों की ख्वाहिश रही कि हमारे घर मकराना मार्वल पे राधा कृष्ण की प्रतिमा जरूर हो। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने ये प्रतिमा आराध्या मूर्ति आर्ट द्वारा ली हुई है। एक्चुअली हमारी इनसे बातें कई महीनों से चल रही थी, बट हमें क्लियर नहीं था कि ये मकराना मार्बल पे ही दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई मूर्तिकार से कॉन्टेक्ट किया था। बट कुछ कहते ना कि मकराना के नाम पर वो जो फेक मार्बल है वो दे रहे थे, इस वजह से हमने प्रतिमा नहीं ली। फिर हमारा कॉन्टेक्ट आराध्या मूर्ति आर्ट में जो भैया हैं उनसे हुआ, जो प्रतिमाएँ बेचते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मकराना मार्बल की खासियत क्या होती है, इसमें जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है। इस वजह से फिर सभी हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को लेनी है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पुराने विग्रह अलग हैं और वो अलग हैं, ऐसा नहीं, सब सेम ही रूप है। बट वो कहते हैं ना, कुछ ज्वाइंट फैमिली है तो किसी का मन रखना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं, हमारे दोनों विग्रह ही 15 इंच के हैं, ये देखिए। और इनको हमने आराध्या मूर्ति आर्ट से लिया है, उन भैया से लिया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं प्रमोशन वीडियो बना रही हूँ उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं, ये भी ये मैंने उन्हीं से लिया हुआ है। एक्चुअली उन्होंने क्लियर किया कि मकराना मार्बल पे जो आज चल रहा है, जो बिजनेस बनाकर रखा हुआ है मूर्तिकारों ने, वो है क्या एक्चुअल में। तो बस भगवान के नाम पे जो ये मूर्तिकार खिलवाड़ करते रहते हैं, तो मुझे उनका लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक विग्रह जो लेते हैं उनकी कई भावनाएं जुड़ी होती हैं भगवान जी से। तो हम तो बहुत ही खुश हैं कि भगवान किसी भी रूप हमारे यहाँ आए। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की मैं कमेंट सुनती हूँ कि हमारे घर अभी विग्रह नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, उनकी भावनाओं को सोच करके लगता है, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग फील किया है, तो जानते हैं। मैं तो भगवान से विश कर रही हूँ कि भगवान आप सभी के घर जाएँ, हर एक को आपकी सेवा का एक मौका दें। और मुझे विश्वास है एक दिन कान्हा सभी के घर पधारेंगे, वो सभी को सेवा का मौका देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए और कोई निगेटिव थॉट अपने मन में ना लाइए, प्रभु सभी की सुनते हैं, बस कुछ की लेट और कुछ की जल्दी सुन लेते हैं। वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिल जाते और मांगने पे भी भीख नहीं मिलती। तो बस कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हम भी एक दिन तरस रहे थे कि कान्हा और राधा रानी हमारे घर पधारें, और आज देखिए साल भर के अंदर ही हमारे दोनों राधा कृष्ण हमारे घर में है, हमारी नज़रों के सामने है। हम इनकी सेवा करने के बाद में जो आनंद मिलता है, सच मायने में इनको दर्शन मात्र आप देख सकते हो कि सिर्फ दर्शन से आपको भी बड़ा आनंद मिलता है। हम तो सेवा करते हैं इनकी, तो हमें बड़ा ही आनंद मिलता है, बहुत ही एक अलग सी खुशी होती है कि हम शायद भगवान के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मुझे तो डेफिनेटली उम्मीद है कि भगवान सभी के घर पधारेंगे। तो प्लीज़ कोई निगेटिव थॉट ना लें, बस थोड़ा सा मे भी समय लग सकता है। वो कहते हैं ना, समय लगने पर जो चीज़ फल मिलेगा वो बहुत ही मीठा होगा, तो आप इस चीज़ की चिंता तो बिल्कुल ना करें। हाँ, मुझे कुछ लोगों से शिकायतें हैं, वो मैं, मुझे लगता नहीं कि उनका जवाब देना मुझे उचित है, बट
कभी कभी होता है ना, कुछ बातें बार बार आपके माइंड में पिन करती हैं। हमने 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, उस दिन गीता जयंती भी थी, अपने कान्हा जी का श्रृंगार किया था। वो क्रिसमस, उस दिन क्रिसमस था तो मैंने कह दिया क्रिसमस स्पेशल श्रृंगार है ये। ऐसा कुछ नहीं, मुझे ज्ञान है, हमने जो हमारा सनातन धर्म है उसका ज्ञान है मुझे। ये पोशाक उनकी गिफ्टेड आई थी और मुझे इनकी जो भी पोशाक या इनके लिए जो भी गिफ्ट आता है मुझे उस चीज़ की वैल्यू पता है, मैं हर एक का मान रखती हूँ। तो मैंने उस दिन श्रृंगार किया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने सनातन धर्म को नहीं जानती, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारे संस्कार में नहीं है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि हर एक के माता पिता जो संस्कार देते हैं वो तो बहुत, उनकी तो व्याख्या नहीं की जा सकती। हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत ही उच्च कोटि के संस्कार देते हैं, तो प्लीज़ हमारे संस्कार पे उंगली आप मत ही उठाइए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस लेवल का संस्कार मिला है, तो उसकी तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। और रही बात संस्कृति की, तो मेरे कान्हा ने कभी मुझे आकर संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया। मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे कान्हा जिसमें खुश होते हैं, मैं हमेशा एकादशी को उनका श्रृंगार करती हूँ। मैं भी, मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, आपको हर एक एकादशी का श्रृंगार नहीं मिल पाता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एकादशी में श्रृंगार करूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में छोटे से लेकर के बड़े हर एक बच्चे इनका श्रृंगार करते हैं। हर एक को कान्हा अति प्रिय है, सबका इनका लाड मोह इनसे बहुत ही ज़्यादा है, जिसको शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और हम हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, वहाँ भी माथा टेकते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं। हमने कभी धर्म का ये फेस्टिवल डिसाइड नहीं किया कि हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये रही कुछ उच्च लोगों की तुच्छ सोच जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और हमें कुछ कमेंट करके कहते हैं कि आप इनको क्या सजाओगे जो खुद सुंदरता की मूर्ति हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे भाव आप पे झलक, इन पे झलक जाते हैं। तो आपका मानना है कि ये सुंदरता है कि नहीं वो तो मुझे पता है कि मेरे मोहन, मेरी राधा रानी अति सुंदर हैं, मैं इनको क्या सजाऊंगी। तो आप मुझे मत बताइए कि मुझे ये जो मैं कहती हूँ कि ये सुंदर अब सुंदर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये पहले भी सुंदर थे। पता नहीं आपके भाव, आपने क्या समझा उस चीज़ को। खैर हटाइए ऐसे जो बोलते ना 1% लोगों को मैं बिल्कुल काउंट नहीं करती, मैं 1% लोग जो हमारे प्रति मोह रखते हैं, हमारे कान्हा के प्रति मोह रखते हैं, मैं उनके लिए ये सब करती हूँ। आई होप गाइज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए होंगे, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी आपके जितने भी प्रश्न होते हैं मैं उनके उत्तर जल्द ही दे दूँ, क्योंकि कुछ बिजी होने की वजह से मैं नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी। तो आपको दिख ही रहा होगा आपके कान्हा जी पुराने हो जाए नए, दोनों सब सुरक्षित हमारे पास और इनकी सेवा पे हम लगे हुए हैं, और आपको नित्य इनके दर्शन हम ऐसे ही कराते रहेंगे। तो चलिए गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा।